Hello students, how are you? I think you all are good at your homes. I'm also fine. And in today's class, I'm going to explain your tense number 2, which is present continuous tense. In our previous video, we have learned the tense number 1, which was present indefinite tense. और मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे, सिंगुलर, व्हाट इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ प्लूरल सब्जेक्ट. चलिए उसको हल्का सा रिवाइज करते हैं और बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ. तो हमने आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में दैट व्हाट आर सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड व्हाट आर प्लूरल सब्जेक्ट्स. आई थिंक याद होगा, मैंने आपको एक हल्की सी ट्रिक जो बताई थी वो थी एज फॉर सिंगुलर. And singular means he, she, it and one noun. बस आपको इतना याद रखना, अगर आपने ये learn कर लिया, it means आपको use करना आ गया tense का properly. तो as for singular, singular means he, she, it and one noun, and plural जो भी बचा वो क्या बचा, वो बचा plural. तो आज की tense हमारे है present continuous tense. देखते हैं continuous को, कॉन्टीन्यूअस को देखते ही हमारे माइंड में क्लिक होना चाहिए कि कॉन्टीन्यूअस जो भी कॉन्टीन्यूअस होगा उसमें आई एन जी फॉर्म का यूज होगा. वी प्लस वी वन प्लस आई एन जी फॉर्म. कॉन्टीन्यूअस मीन्स आई एन जी फॉर्म. कॉन्टीन्यूअस दिखते ही, कॉन्टीन्यूअस दिखते ही माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए, इस टेंस में तो आई एन जी फॉर्म ही आएगी. अगर वो प्रेजेंट का है तो हम इज एम आर के साथ यूज करेंगे. अगर वो पास्ट में है देन वी यूज इट विद वॉज एंड वर्ब. And if it is in future, then we use it with will be or shall be. Okay, class? So, in present continuous, we use V1 plus ing form with is am are. In past, we use ing form with was and were. And in future, we use ing form with will be and shall be. So, it is present continuous and we have to use this rule. एज एम आर प्लस वी वन. मैंने आपको बताया था इज किसके साथ यूज करेंगे. एज फॉर सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स ही, शी, इट एंड वन नाउन. सो वी यूज एज विद ही, शी, इट एंड वन नाउन. एम का यूज तो आप बचपन से करते आ रहे हैं. आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल. तो एम हम किसके साथ यूज करते हैं, हम एम यूज करते हैं आई के साथ. आई किसके साथ यूज होगा, सॉरी एम किसके साथ यूज होगा, आई के साथ. एंड आर वी यूज विद द प्लूरल सब्जेक्ट जस्ट एज दे, वी, यू एंड टू और टू प्लस नाउंस. ओके, टू और मोर देन टू नाउंस. तो पता चल गया इज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे. एंड एम विद आई एंड आर विद दे, वी, यू एंड टू प्लस नाउन मीन्स टू और मोर देन टू नाउंस. तो चलिए बढ़ते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन की तरफ. एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द टेंस. फर्स्ट इज एफर्मेटिव, सेकेंड इज नेगेटिव, थर्ड इज इंटरोगेटिव एंड इट हैज टू टाइप्स, स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब और स्टार्ट विद डब्ल्यू एच वर्ड. तो यहाँ पर हमारा पहला आता है जो हमारा, वो होता है एफर्मेटिव. एफर्मेटिव ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है ना, ये कंटिन्यूटी बताता है किसकी, प्रेजेंट की. मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इट इज़ कंटिन्यूटी इन प्रेजेंट. कंटिन्यूटी बता रहा है ना, मैं लगातार आपको पढ़ा रही हूँ. कोई काम जब लगातार होता है तो उसको कंटिन्यूटी में लेते हैं और कंटिन्यूटी का मतलब हो जाता है कॉन्टिन्यूस. तो प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूटी है इसलिए प्रेजेंट को कॉन्टिन्यूस. और याद रखें कॉन्टिन्यूस का नाम लेते ही माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए, आई एन जी फॉर्म आएगी. प्रेजेंट है तो इज एम आर के साथ. एफर्मेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले वी हैव टू राइट सब्जेक्ट, देन वी यूज इज एम और आर अकॉर्डिंग टू आर सब्जेक्ट, देन वी यूज वी वन मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, देन वी हैव टू राइट ऑब्जेक्ट. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस ऑफ एफर्मेटिव. ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस इज
राधा, आर ए डी एच, राधा इज डांसिंग, राधा इज डांसिंग ऑन द स्टेज. सो राधा इज आर सब्जेक्ट, वी यूज वर्ब, देन वी यूज वी वन प्लस आई एन जी एंड दिस इज आर ऑब्जेक्ट. Verb to be. It is verb to be. Okay. Is, am, and are called verb to be. Next, they dash going to school. They dash going to school. What we use with they? क्या यूज करेंगे हम दे के साथ? इज, आर या फिर एम? भाई देखिए, इज तो सिंगुलर साथ यूज होगा क्योंकि एस वालों की फ्रेंडशिप सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के साथ है और किसी के साथ नहीं है. एम की फ्रेंडशिप सिर्फ आई से होती है, ये दोनों बस आपस में फ्रेंड है. एंड जो नेक्स्ट वन है हमारा आर, आर को हम यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और दे हमारा प्लूरल है इसलिए हम दे के साथ यूज करेंगे आर. ओके, क्लियर? इतना समझ में आ गया होगा आई थिंक. अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा निगेटिव सेंटेंस. निगेटिव सेंटेंसेस. तो निगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है सब्जेक्ट, देन वी यूज वर्ब टू बी, आफ्टर इट वी राइट नॉट, देन वी वन एंड देन ऑब्जेक्ट. सो अगर हम अपना सेंटेंस देखें, वी आर सब्जेक्ट आ गया, वी टू बी में से कोई भी एक वर्ब यूज कर लेंगे, वी आर नॉट. निगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम वर्ड ऑफ नेगेशन यूज करते हैं. जैसे इसमें वर्ड ऑफ नेगेशन क्या है? नेगेशन वर्ड जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा नॉट. वी आर नॉट डूइंग आर होमवर्क. वी आर नॉट डूइंग आर होमवर्क. सेकेंड, आई एम नॉट फीलिंग वेल. ओके क्लास, इसमें नॉट आ गया. नेगेटिव सेंटेंस का हमारा फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन नॉट, देन आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन आर ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पर क्या रहे, कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं कि वी आर नॉट डूइंग आर होमवर्क. हम अपना होमवर्क नहीं कर रहे हैं, हम अपना होमवर्क नहीं कर रहे हैं. तो रहे हैं का सेंस आ गया, कंटिन्यूटी आ गई प्रेजेंट की. देन वी यूज इज एम आर विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी. देन आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ. तो यहाँ पर भी कंटिन्यूटी आ गई. इस टाइम की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है और लगातार उस वक्त की बात हो रही है, तभी हमने यहाँ पर इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म को यूज किया है. देन Now come on interrogative sentences. Interrogative. क्लास आप लोग अपना वर्क प्लीज डेली भेजिए मुझे, जिससे मैं चेक कर सकूं और आपको एग्जाम टाइम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो. सो डेली अपना वर्क सेंड कीजिए. नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंसेज. इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में हम जो हमारी वर्ब थी is, am, and are, जो हमारी verb to be है, we have to write them in the starting of the sentence. Then we'll write subject, then v1 plus ing plus object. This is our first type of interrogative sentences.
इज एम आर आया है तो इज ही के साथ क्या यूज करा इज, क्यों? ही सिंगुलर सब्जेक्ट है. सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट एंड वन नाउन. और सिंगुलर के साथ हम हमेशा एस वाली यूज करते हैं, जैसे इज, हैज, वॉज, डज, गोज, स्लीप्स. बताया था ना प्रीवियस वीडियो में, आई थिंक रिवाइज हो गया होगा आप सबका. इज ही प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग? इज ही प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग एंड आर दे सिंगिंग अ सॉन्ग? आर दे सिंगिंग अ सॉन्ग? देखिए, हमें इज एम आर में से कोई एक वर्ब यूज करना है. वी यूज इज इन दिस सेंटेंस एंड आर इन दिस सेंटेंस. देन वी यूज सब्जेक्ट. व्हाट इज अ सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? सब्जेक्ट इज ही, सब्जेक्ट इज दे, प्लेइंग इज अ वी वन प्लस आई एन जी, सिंगिंग इज ऑल्सो वी वन प्लस आई एन जी, देन इट इज आर ऑब्जेक्ट. अंडरस्टूड क्लास? Now come on the second type of interrogative sentences which are started with WH word. किस से स्टार्ट होते हैं वो? WH word से. WH word मैंने आपको बताए थे, why, whom, where, who, whom, whose, how. Such type of words are called WH words, जो हमारे WH से स्टार्ट होते हैं. तो in WH word we have to write first WH word, then verb to be, which is this am, on, are, then subject, then v1 with ing, then object. So what will be the sentence? क्या हो सकता है सेंटेंस बताइए, एक अच्छा सा सेंटेंस. आर रोहन एंड सोहन, आर रोहन एंड सोहन गोइंग फॉर अ पिकनिक? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हम लगाएंगे. अगर लास्ट सेंटेंस में ये पिकनिक क्वेश्चन मार्क हमें ज़रूर पुट करना है आफ्टर इंटरोगेटिव सेंटेंस. देन यहाँ पर आर से स्टार्ट हुआ है, सॉरी यहाँ पर वाई से आएगा. वाई आर रोहन एंड सोहन गोइंग टू अ पिकनिक? रोहन एंड सोहन पिकनिक पर क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं भाई? रिफ्रेशमेंट के लिए जा रहे हैं. रोहन एंड सोहन पिकनिक के लिए क्यों जा रहे हैं? When is Sonia? When is Sonia Why is Sonia cooking the food? सोनिया खाना क्यों बना रही है? किसका सेंस आ गया? रही है. जब रही है का सेंस आता है किसी भी सेंटेंस में, देन वी यूज प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस विद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ये आपके सेकंड टाइप हो गए. चलिए मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज कराती हूँ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पर जो बेस्ड है.
this exercise is based on the previous video and this video, means present indefinite and present continuous. First, exercise number one. I dash in model town and my friend Sean also dash there. In the bracket, live is given and we use live according to the subject. It is present indefinite, so you have to use s or es with the first form of verb according to the subject. Pata hai na, s or es ki friendship kisse hoti hai? My mother dash water and I dash rise every morning. Boy, the sun dash in the day, the sun dash in the day and the stars dash at night and the stars dash at night. Such I am shine. Where dash you Why dash you dash so fast? Look, the sun is dash. Last sentence. They dash to Kanpur. Go. So, verbs are given in the bracket and you have to use them according to the tense. If there is present indefinite tense, you have to use it with the first form of verb and add s or es. But if you are using it in present continuous tense, then you have to use it with SMR plus verb ki ing form ke saath. So in the first sentence, I dash in model town and my friend Shyam also dash there. Yahan par live de rakha hai and you have to use here present indefinite tense. So according to the subject, we use first form of verb. So I
आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, दिखता तो सिंगुलर है पर है नहीं। मैंने आपको ये बात बताई थी ना, आई दिखता तो सिंगुलर है बट आई सिंगुलर है नहीं। अब सिंगुलर का नाम लिया है मैंने, एक बार रिपीट करिए, मैंने आपको कुछ याद करा था, सिंगुलर का नाम लेते ही माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए? वेरी गुड, ही शी इट एंड वन नाउन। क्या ये ही में आ रहा है, क्या ये शी में आ रहा है, क्या ये इट में आ रहा है? नहीं आ रहा है। सो इट मीन्स इट इज प्लूरल एंड वी डोंट यूज एस और ई एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बिकॉज इट इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। देन वी यूज आई लिव and model town and my friend Shyam also, my friend Shyam here, बात किसकी हो रही है? Shyam की। वन नाउन है ना Shyam या नहीं है? Shyam वन नाउन है, देखिए singular, singular means he, she, it and वन नाउन, ये वन नाउन है ना Shyam, नाम है ना एक person का, तो so we use here lives। सिंगुलर के साथ क्या यूज करेंगे? वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में एस या यस, तो यहाँ एस लगा दिया, प्लूरल की दोस्ती नहीं है एस से, सिंगुलर सब्जेक्ट की दोस्ती है फ्रेंडशिप से, फ्रेंड सॉरी एस से। नाउ कम ऑन सेकंड सेंटेंस, विच इज माय मदर, माय मदर इज इट सिंगुलर और प्लूरल? मुझे लगता है मम्मी एक ही होती हैं, तो माय मदर, मेरी माँ, यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप? सिंगुलर सब्जेक्ट देख रहे हैं, सिंगुलर की दोस्ती किससे? एस से। बॉइल में क्या लगाएंगे हम? एस। माई मदर बॉइल्स वाटर एंड आई, आई सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, ही शी इट एंड वन नाउन, नो। तो हम यहां पर बॉइल्स ना लिखकर डायरेक्टली क्या लिखेंगे? बॉइल। द सन, सन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट? आई थिंक सन इज अ प्लूरल सब्जेक्ट बिकॉज इट इज वन नाउन, तो सन के साथ क्या यूज करेंगे? शाइन या फिर शाइन्स? शाइन। क्यों? क्योंकि सॉरी शाइन्स, क्यों? क्योंकि सन जो है वो सिंगुलर है। स्टार्स, स्टार्स, एक तारे की बात हो रही है स्टार की या फिर स्टार्स की? स्टार्स की बात हो रही है, प्लूरल के साथ हम एस या यस का यूज नहीं करते हैं। शाइन, अंडरस्टूड क्लास? नेक्स्ट वन इज, यहां से हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का शुरुआत होती है, जहां पर पूछा है वेयर डैश यू, सबसे पहले तो वर्ब टू भी देखेंगे, यू के साथ हम क्या यूज करेंगे? इज मैंने बताया तो आपको, हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है हमारा ही शी एंड वन नाउन, एंड यू इज नॉट कम्स अंडर ही शी एंड वन नाउन। यू क्या हो गया फिर? प्लूरल हो गया। प्लूरल के साथ क्या यूज करते हैं? आर। एम खाली आई के साथ यूज होता है, तो वेयर आर यू प्ले, प्ले को क्या कर देंगे हम? कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या बताया था? कुछ बताया था, कॉन्टिन्यूस मीन्स कंटिन्यूटी, मीन्स प्लेइंग। ओके, वेयर आर यू प्लेइंग? व्हाई आर यू रनिंग सो फास्ट? वी विद यू, विद प्लूरल सब्जेक्ट वी यूज आर, सो वी यूज आर हियर। नाउ लुक द सन डैश राइजिंग, लुक द सन इज rising, sun is singular subject, then we use is with it, they is plural subject, so we use are with it, they are going to Kanpur। I think आपको ये दोनों tenses बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इनका revise, इनका revision भी मैंने आपको करा दिया, और आप इनको बहुत अच्छे से revise करते रहिएगा जिससे कि ये आपके mind में बने रहे और आपके पीटी होने तक आप इसको अच्छे से एक्सरसाइजेस पर जो बेस्ड आएंगे आप उन्हें कर पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।